भाजपा ने आपातकाल को याद करते हुए 25 एवं 26 जून को काला दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इस दिन पूरे प्रदेश में आपातकाल को याद करते हुए काला दिवस मनाया गया। काला दिवस आयोजन समिति के प्रांत संयोजक सच्चिदानंद उपासने का कहना है कि भाजपा के आह्वान पर छत्तीसगढ़ भाजपा सभी जिला केंद्रों में 25 जून को आपातकाल के काला दिवस का आयोजन करेगी। कांग्रेस की सत्ता की लालसा के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिस प्रकार न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी न छोड़ देश को 1975 से 1977 तक 21 माह की अवधि में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या कर विपक्ष और मीडिया को कुचलकर लोकतंत्र समाप्त कर तानाशाही राजतंत्र का काम किया था, उस काले अध्याय को देश की जनता को स्मरण कराने के लिए भाजपा हर साल ये काला दिवस मनाती है। 25 और 26 जून को सारा देश आपातकाल के स्मरण करते हुए काला दिवस के रूप में मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन, आपातकाल की तो जो ज्यादतियां थी, आपातकाल में जिस प्रकार से संविधान की हत्या की गई, आपातकाल में जिस प्रकार से जबरिया नसबंदी की गई, जबरिया लोगों के मकानात तोड़े गए, संविधान की हत्या करके लाखों लोगों को मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बनाकर गिरफ्तार करके, जिसके अंतर्गत न तो जमानत थी, न तो कोर्ट था, न अदालत थी, न वकील था, न कोई दलील थी। इंदिरा जी जब तक चाहे, जीवन भर चाहे तो जीवन भर के लिए जेल में डालने का काम केवल इसलिए किया गया कि जस्टिस जगमोहन ने 12 जून 1975 को रायबरेली से जो इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था, उस चुनाव को उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण की याचिका पर निरस्त किया, उनको प्रधानमंत्री के पद के अयोग्य घोषित किया, 6 वर्ष के लिए उनको चुनाव लड़ने से अपात्र घोषित किया। इंदिरा जी को यह रास नहीं आया कि आजादी के बाद एक छत्र राज्य करने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को कोई न्यायालय, कोई न्यायाधीश इतने प्रलोभनों के बाद भी इस प्रकार का फैसला देता है। फैसले की परिणति हुई कि देश भर में जन आंदोलन प्रारंभ हुए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलित हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में विशाल आम सभा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख और विपक्ष के सारे नेताओं के नेतृत्व में पूरा देश मानो दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा था कि इंदिरा जी त्यागपत्र दो, अदालत के आदेश का सम्मान करो। इंदिरा जी ने देखा कि अब पूरा देश जाग गया है, पूरे देश में जन आंदोलन हो रहे हैं, ऐसे समय में इसको कुचलना ही एकमात्र उपाय है सत्ता छोड़ने की बजाय। 25 जून की कालरात्रि में इंदिरा जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को नींद से जगाकर आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर करके और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। सारे विपक्ष के नेताओं को जेल की सीखचों में रातों रात डाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजमाता सिंधिया जी, मधुलिमय जी सहित हजारों नेता जो है जेलों में डाल दिए गए। दिल्ली के सारे बड़े अखबारों की लाइनें काट दी गई, सेंसरशिप लगा दी गई और उस आपातकाल के सारे पीरियड में जब सत्याग्रह करके लोग जेल गए तो उनको भी इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाने पर जेल की सिक्चों में 21 महीने तक 19 महीने तक यातनाएं दी गई। ऐसे कालखंड को याद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 25 और 26 जून का अनेक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया है। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान तो होगा ही, लेकिन वर्तमान कांग्रेस के स्वरूप का जो जिस प्रकार से संविधान की बात करते हैं, जिस प्रकार से आरक्षण की बात करते हैं, जिस प्रकार से प्रजातंत्र की बात करते हैं, उन सबका खुलासा भी जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश स्तर के सभी नेता मंत्रीगण विधायकगण जिलों में जाकर मीडिया के माध्यम से उद्बोधन के माध्यम से करेंगे। 25 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण मंत्रीगण विधायकगण शिरकत करेंगे। रायपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शामिल होंगे। इस प्रकार से यह कार्यक्रम 25 तारीख को होगा। 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर प्रदेश के सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निमंत्रित कर किया जा रहा है। इस प्रकार का ये अभिनव कार्यक्रम और सम्मान का कार्यक्रम जो है इस प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार ने जिस प्रकार से आतंक के साए में लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि छीन ली थी उसको वापस करने का काम माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। इसलिए लोकतंत्र सेनानी भी उनका सम्मान 26 तारीख को उनके बंगले पर आमंत्रण पर करेंगे। इस प्रकार से यह कार्यक्रम लोकतंत्र की रक्षा का जन जागरण कार्यक्रम, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस को उजागर करने का कार्यक्रम साबित होगा।